चलो चलो, आज तो तनु की फर्स्ट फर्स्ट रसोई है। तुझे ज्यादा कुछ नहीं बनाना, बस ना तू 18 भटूरे बना लेना, 8 कटोरी छोले बनाना, 8 ग्लास छाछ बनाना, और वो 2 बड़े बड़े भर कर रायता बनाना, और ना मीठे में 8 कटोरी खीर बना लेना बस। मम्मी जी, ये पहले रसोई है के पहला लंगर? कितनी मजाक की हमारी देवरानी। नजर ना लगे आपके चुटकुलों को। पता है मैंने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? क्या किया? अरे मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट, वो भी भटिंडा वाले, और लहसुन की चटनी डाल के। ओ प्लीज मदर इन लॉ, वो जो लहसुन की चटनी डाल के बनाई थी आपने, वो कहाँ से चुराई थी ये तो बता दीजिए इन्हें। ओ मेरी स्वीट मॉडर्न बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं चोरी नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। मैं क्रिप्टोमेनियक हूँ, क्रिप्टोमेनियक, समझी बुढ़िया? भाभी, हाँ? आपने भी मुझे कहाँ किचन में लगा दिया? मैं यहाँ देश बचाने आई हूँ, किचन में खाना बनाने नहीं आई हूँ। तनु, देश क्या होता है? कई सारे घरों का एक सरहद के दायरे में एक छोटा सा झोलम, राइट? अब अगर एक घर खुश नहीं होगा तो हमारा देश कैसे खुश होगा? इसीलिए इस घर को भी खुश रखना हमारा मिशन है, समझी? ओके जनलाल के, मैं ना तुझे चार्ट बनाकर उस पर लिख लिख के समझाऊंगी कि चोर और चोरी उन्माद यानी कि क्लिप्टोमैनियक में क्या अंतर है। चल मेरी ढोल, चल चल। भाभी, मैंने आज तक गोल रोटी तक नहीं बनाई है, तो मैं गोल भटूरे कैसे बनाऊंगी? तनु, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हम है ना, हम करेंगे तुम्हारी मदद। ऐसा करो, तुम आटा गूंदो, हम तब तक बर्तन साफ कर लेते हैं, ठीक है? ट्राई करती हूँ। चल हमारी भोली देवरानी, आपने तो आटे की खीर बना दी। खीर? भाभी, I'm sorry, but ये मिशन मुझसे नहीं होगा। तन्नू, तुम्हारी पहली रसोई है, हो जाएगा, करो। भाभी, फर्स्ट टाइम बेलन को देख के मुझे बेलन में इंटरेस्ट हुआ। कम इन एजेंट हिमालय। यस एजेंट लाल किला। आपको बैग मिला? हाँ मिल गया। खाली? खाली? इसमें तो कुछ भी नहीं। एक मिनट एजेंट, स्टैंड बाय चेकिंग। एक चिप मिली है, जरूर इसमें कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी। मैं इसे ओपन करता हूँ। दैट्स ग्रेट न्यूज़ एजेंट हिमालय। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मिशन रसोई फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तन्नू को खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता। पहली रसोई बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है एजेंट लाल किला, तुम एजेंट हवा महल को भटूरे बनाने में मदद करो। दुश्मन को भगाने के लिए बंदूक और भटूरे बनाने के लिए बेलन उठाने ही पड़ते हैं। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। क्या कहा डैड जी ने? डैड जी नहीं पगली, पापा। पापा ने ये बेलन देते हुए कहा था कि इस बेलन से रोटियां गोल
और पति सीधे हो जाते। भाभी क्या कह रहे हैं आप? भाभी अगर आपको अपने पापा की इतनी याद आ रही है तो एक बार मायके जाके उनसे मिलके वापस आ जाओ ना। अच्छा अच्छा भाभी वो क्या है ना कि आप यहाँ पर नहीं हो ना, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे देती हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये कोई लकड़ी का डंबल नहीं है, इसे ना बेलन कहते हैं। रोटियां बेलने के काम आता है, पराठे और भटूरे भी। और कभी अगर आपको थोड़ी सी इचिंग हो जाए ना तो ये ऐसे ऐसे इच करने के भी काम आता है। मनु, तुम नहीं बताती तो हमें कैसे पता चलता? वैसे ना भाभी एक बात कहूँ, मुझे ना कल से आप दोनों पे बहुत डाउट सा हो रहा है। पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई जा रही हो आप दोनों। अच्छा सुनो, मैं ना स्टोर जाके चावल ले आती हूँ खीर के लिए, तुम तब तक ड्राई फ्रूट्स काट दो, ठीक है? और छोले डाल देना कुकर में और गैस पे चढ़ा देना। हाँ, ये संभाल के रखो। ओके ओके। चिप तो डाल दिए, अब देखते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है पासवर्ड? ऑफ कोर्स दो ही चांस बाकी हैं। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? या डॉन गमोशा, DON डॉन GAMOSHA। एक ही चांस रह गया, अगर इस बार भी पासवर्ड गलत हुआ तो चिप ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो सकता है? कमांडियन कम ऑन, कम ऑन थिंक। क्या हो सकता है? यस, वही जो खामोशा हमेशा कहा करता था, आई एम द किंग। तनु, तनु जी, तनु, तनु कहाँ है? भाभी स्टोर रूम गई है चावल लेने। तनु, तनु, चावल कहाँ रखे? चावल, चावल, चावल। तनु? क्या कर रही हो तुम? अब इतनी भारी बोरी तुम कैसे उठा पाओगी? देखिए ना, हमसे तो हिल ही नहीं रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, आप उठा दीजिए ना। अब तुम ठहरी फूलों जैसी कोमल, ये सब भारी काम अपने अपने पति के लिए छोड़ दिया करो तुम। अब चलो पीछे हो,
मैं उठा लेता। शौर्य जी। अब कुछ नहीं है धनु, ये तो बस ऐसे ही बहुत बोरियां उठाई मैंने, ये बड़ी बात नहीं है, बस अभी उठा लेता हूँ। अब भारी नहीं है धनु, बस उठ जाएगा ऐसी। अरे बहुत बोरियां उठाई है मैंने। जय माता दी। जय माता दी टू। देखा धनु, मिल गई ना कामयाबी बोरी उठाने में। धनु, इसे कहते हैं असली मर्द की ताकत। और ये भी कहते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। और से देखिए मेरी बीवी को, इतनी नजाकत से काजू काट रही है कि चोट ना लग जाए काजू को। इतनी नजाकत से हमें भी चाकू मार दो, हम उफ तक नहीं करेंगे। मारू? रोमांटिक हो रही हो ना, सब समझता हूँ। दिन रात मारी, अब चाकू मारोगे? हाँ क्या हुआ छोटे, इतना डरा से मसा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? बहुत अच्छे टाइम पे है भैया, वेरी गुड। हाँ क्या, ठीक है चल। कहाँ? एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। चल शारे जी, थैंक यू। चल ना, क्या कर रहा है तू? अरे भैया आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बाय। क्या हो रहा था? कैसे जो हिमालय कमिंग एजेंट्स, फौरन मेरे रूम में आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, ये जो हिमालय हमें बुला रहे, हमें जाना होगा। भैया मुझे नहीं जाना यार, अरे नहीं चाहिए ऐसी टेप। अरे क्या हो गया तुझे छोटे, तू ठीक तो है? नहीं है छोटा ठीक, गौर से देखिए मुझे, पति हूं भैया मैं, और एक ऐसा पति जिसने शादी तो की लेकिन सुहागरात मना नहीं पाया। अरे सुहागरात तो दूर की बात है, मैं उसको टच करने जाता हूँ ना तनु को, तो ऐसा लगता है जैसे कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, कोई आगे पकड़ लेगा मुझे। थक गया हूँ भैया मैं, थक गया हूँ मैं। छोटे मुझे पता है तुझे जिंदगी में किस चीज की जरूरत है। मुझे भी पता है, जहर की। अबे जहर की नहीं, गाइडेंस की। और वो गाइडेंस एक सीनियर पति होने के नाते एक जूनियर पति को मैं दूंगा। समझा? मैं कन्वर्ट करूंगा तेरी हर रात को सुहाग रात में। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। हाँ? अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ? एक बात बता, तूने एक बात नोटिस की? नहीं। क्यों तेरी भाभी
तेरे भैया के प्यार में 24 घंटे पड़ी रहती है। सोचा तो नहीं, क्यों? अरे क्यों क्या, पूछ कैसे? भैया आप जो बोलो वैसे यार, कैसे? देख, तेरे भैया को पता है कि बीबीओ को खुश कैसे रखा जाए। देख, तेरी भाभी फूलों से नाजुक है और तेरा ये भाई उसे 11 महीनों में 11 अलग अलग तरीकों से प्यार जता। हाँ, मैंने देखा है आपको करते हुए। हाँ। तभी तो तेरी भाभी तितलियों की तरह मेरे आसपास गोल 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 मंडराती रहती। हाँ। तनु, वो प्रेशर कुकर में छोले रखे थे ना, कितनी सीटी बजी? किसी की हिम्मत जो मेरे सामने सीटी बजाए, चाहे वो प्रेशर कुकर ही क्यों ना हो। पागल। डैड जी, आपने हमें बुलाया? उस बैग में जो चिप था वो घमोशा के लिए बहुत ही कीमती है। उस चिप में क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं। घमोशा का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमने ये कोडेड मैसेजेस और ये मैप रिपोर्ट कर लिया, मुझे पूरा यकीन है कि हम घमोशा को पकड़ पाएंगे। घमोशा? किस खमोसा को पकड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग डीएन? खमोसा? समोसा? डैड जी, सासू मॉम को गमोशा सुनाई दिया। सासू मॉम, हम तो कह रहे थे समोसा। हाँ, समोसा, क्योंकि आ रहे हैं तनु के मौसा और हमने मंगाया है एक ऐसा समोसा जिससे तनु के मौसा को पकड़ना आसान होगा। अरे लेकिन why daughter in law, हम तनु के मौसा जी को समोसा खिला के पकड़ने की बात कर क्यों रहे हैं आखिर? वो क्या है ना मॉम जी, वो मेरे वीजा वाले मौसा जी आ रहे हैं ना, तो वो आएंगे, हम उन्हें समोसा खिलाएंगे कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं। ओ माय गॉड, भगवान करे तुम जैसी daughter in law हर किसी फॉरेन रिटर्न को जरूर मिले। मैं ना जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। हेलो, अपुन ने तुम्हारे बेटी को उसी पार्लर में गिरा है, जाओ फेशियल कराने आइए। और अगर अगले आधे घंटे में हमारा बैग इसी पार्लर में नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी का फेशियल वाला फेस हम अलग से सेपरेट भेजेंगे। फुल टू अटैक। हेलो जी, क्या हुआ? उन गुंडों ने इस चिप के लिए मनु को ब्यूटी पार्लर में घेर लिया। इसका ये मतलब हुआ कि इस चिप में जरूर कोई खास सुराग है। ये फोन बड़े ही कमाल की चीज है। तुझे पता है फोन में ना नीचे की तरफ से आवाज जाती है और ऊपर की तरफ से आवाज आती है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर तूने फोन को उल्टा पकड़ लिया ना, पता है क्या होगा? तुझे मुंह से सुनना पड़ेगा और कान से बोलना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। I know, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हमें कुछ करना चाहिए, हम अभी जाके मनु को छुड़ा के आते। चलिए। नहीं, उनके लिए मैं काफी हूँ। और अगर तुम दोनों तनु की पहली रसोई छोड़कर बाहर निकले तो सवाल उठेंगे। मैं चिप लेकर जा रहा हूं। एजेंट हिमालय, इसका मतलब यह है कि आप वो चिप उन्हें दे देंगे? देशभक्ति के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है धनु। हाँ, आज एक बाप अपनी बेटी को सही सलामत वापस घर ले आएगा, लेकिन एक देशभक्त एजेंट
उन दुश्मनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। तनु, डैड जी को हमारी जरूरत पड़ सकती है, हमें उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ेगा। यू मीन झुमके से? अभी मेरा झुमका तो मनु के कमरे में। चलो मिशन मनु ऑन रहेगा, हम आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहेंगे। डैड जी, हमें मनु की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है गुंडों पे। नहीं, मनु पर। कब से उसका फोन बिजी आ रहा है। चलो गंगा। गंगा? एजेंट हिमालय की स्पेशल गाड़ी का नाम है गंगा, सुपर गैजेट से लेस। हेलो एजेंट हिमालय, कहाँ जाना है? हेलो गंगा, लुक्स ब्यूटी पार्लर प्लीज। ओके सर। ओ गॉड, सिर्फ 20 मिनट बाकी है, मुझे किसी भी हालत में उधर 20 मिनट में पहुंचना ही होगा। डेंजर। खतरा? कैसा खतरा? Danger 10 meters ahead. Danger 9 meters ahead. गंगा प्लीज, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। Danger 6 meters ahead. गंगा, अरे। Danger 4 meters ahead. Danger 2 meters ahead. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.